हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम बॉट का चैनल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इंस्टाग्राम ने फाइनली लेके आ गया है वो फीचर जिससे कि हम अपना बॉट का चैनल क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ सुन रहे थे कि बॉट का चैनल आने वाला है, बट फाइनली अब हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसी को बताती हूँ कि किस तरह से आप ये बना सकते हैं। तो फटाफट से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम का मैसेज सेक्शन है। यहाँ पे पेन की तरह कुछ बना हुआ है साइड में, मैं उसको क्लिक कर लेती हूँ। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले सिर्फ लोगों का नाम दिखाता था जिनसे हमको बात करना, बट यहाँ पे क्रिएट बॉट का चैनल लिखाया हुआ था। वहाँ पे हम जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे क्रिएट बॉट का चैनल टू बिल्ड योर फैन कम्युनिटी का क्लिक करते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना खुद का एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, यानी चैनल का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम इंजीनियर ब्रेन ट्यूटोरियल है, तो मैं यहाँ पे इस चैनल का नाम भी इंजीनियर ब्रेन ट्यूटोरियल ही रखूँगी। ठीक है, अब यहाँ ऑडियंस कौन होंगे, फॉलोअर, जो मुझे फॉलो करते हैं सिर्फ वही मेरे चैनल को जो है ज्वाइन कर पाएंगे। शो चैनल प्रोफाइल, मतलब जब भी जैसे ये चैनल क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे जो ये चैनल है वो मेरे प्रोफाइल में शो करेगा। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं चैनल को, क्रिएट ब्रॉडकास्ट चैनल। ये हमारा जो है ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन मेंबर लिखा हुआ, वन मेंबर यानी ये मैं खुद की एक पहली मेंबर हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्टोरी में शेयर कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं आपका जो इंस्टाग्राम में जो भी आपका स्टोरी देखेगा वो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर पाएगा अगर उनकी इच्छा होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जैसे कि ये चैनल मेरा किस चीज़ से रिलेटेड है, कि आप लोग मेरे इस चैनल के थ्रू इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल्स, रील ट्यूटोरियल्स या और भी चीज़ों को यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे लोगों को आपको जानकारी देनी है कि आप किस चीज़ के ऊपर जो आपकी ब्रॉडकास्ट चैनल है वो क्रिएट कर रहे हो, ताकि तभी तो आपका जो स्टोरी लोग जब पढ़ेंगे तो फिर आपके जो ब्रॉडकास्ट चैनल में लोग ज्वाइन होंगे। अब मैं आपको इसका फ़ायदा बता देती हूँ कि ब्रॉडकास्ट चैनल बनाने का फ़ायदा क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला फ़ायदा गाइस ये होगा कि पहले तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, पहली चीज़। वो कैसे, अगर आप रेगुलर ब्रॉडकास्ट में रहोगे, कुछ अच्छे अच्छे अपडेट्स देते रहोगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार ये कुछ नया करती है या नया करता है, तो वहाँ से लोग ज्वाइन करेंगे, लोग बताएंगे अरे उसका ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर, वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपडेट देती रहती है। तो इससे क्या होगा, ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है, लोगों को फॉलो, जो मुझे फॉलो करेंगे बस वही ज्वाइन कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ से आपके पहले तो फॉलोअर्स गेन होंगे। सेकंड चीज़ ब्रॉडकास्ट चैनल के फ़ायदे का क्या है, आप अगर YouTube में वीडियोस क्रिएट करते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिंक ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे आप ब्रॉडकास्ट चैनल में अपने YouTube की वीडियोस का लिंक शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग YouTube के वीडियोस को नहीं देख पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो Instagram में रेगुलर रहते हैं, तो वो Instagram के थ्रू जैसे ही आपके ब्रॉडकास्ट चैनल में जाएंगे वहाँ पर देखेंगे अरे ये तो सही वीडियो है, देखना चाहिए, तो वहाँ से भी आपकी वीडियोज़ को लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड फ़ायदा हो गया। यहाँ पर मैं स्टोरी पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसका एक और फ़ायदा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन दिया है, यानी आप अपने दोस्तों को यहाँ से इनवाइट कर सकते हो आपके ब्रॉडकास्ट चैनल में ज्वाइन होने के लिए। तो यहाँ मैं सेंड इन इंस्टाग्राम पहले कर देती हूँ, यहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जिससे मेरी बातचीत होती रहती है, उनको मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ ताकि वो मेरे जो है इंस्टाग्राम में पहले नए नए मेम्बर्स बन जाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगभग सभी को जिनको मैं जानती हूँ उनको मैंने शेयर कर दिया है। अब ये देख सकते हो ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम में ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट करोगे तो ये दूसरों के फ़ोन में जो आपको फॉलो करते हैं उनके में ये नोटिफिकेशन आएगा। तो ये मेरे एक फ्रेंड की में आया हुआ था नोटिफिकेशन, उन्होंने मुझे ये दिखाया कि ये आपका चैनल का नोटिफिकेशन आया, क्या ये आप ही का चैनल है, तब मैंने बताया जी हाँ आप यहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप जैसे किसी को शेयर नहीं भी करते हो तो नोटिफिकेशन अपने आप जो है ब्रॉडकास्ट चैनल के आपका चले जाता है जो आपको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके और क्या, देखो यहाँ पे आप अपना थीम चेंज कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल का। और ये जो एंड है ना, एंड क्या होता है, जैसे ही आपको अपने ये चैनल को बंद करना होगा तो आप वहाँ पर एंड में क्लिक कर लेना, तो आपका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हो, वो सारी मैसेजेस जो हैं आपके
जो भी आपको फॉलो करता है या जो भी इसमें मेंबर ज्वाइन है वो आपका शो होगा उनको, ठीक है, वो सारे मैसेज पे रिएक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके लास्ट फ़ायदे की ओर चलती हूँ। लास्ट फ़ायदा क्या है, जैसे कि मैंने कहा था आपको लास्ट फ़ायदा बताऊँगी ज़रूर आपको लास्ट में एंडिंग में, तो वो लास्ट फ़ायदा है पोल्स। पोल्स कैसे करना है, यहाँ पे प्लस का साइन देख सकते हो, यहाँ पे पोल्स आप क्रिएट कर सकते हो। आप लोगों को पोल्स के थ्रू उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जान सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्हाट आई शुड पोस्ट इन माय नेक्स्ट YT चैनल, यानी यूट्यूब चैनल में अपना क्या कौन सा वीडियो पोस्ट करूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रील ट्यूटोरियल डाल दूँ या नोट्स आइडिया या फिर एंडिंग में मैं AI फोटो एडिटिंग। तो यहाँ से आपको जिसमें ज़्यादा वोटिंग मिल रही है आप वो चीज़ कर सकते हो। इवन आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, कह रहे इसकी मैं किस चीज़ के ऊपर इंस्टाग्राम में वीडियोस क्रिएट करूँ, कॉमेडी या लाइक सैड क्वेट्स वीडियो, इस तरह से जो है आप कुछ भी पूछ सकते हो। इससे आपको ऑडियंस का क्या डिमांड है वो पता चलेगा और आपको आइडिया मिलते रहेगा कि आप क्या नेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको सारी जानकारी जो इसके रिलेटेड ही ब्रॉडकास्ट चैनल से वो कन्फर्म हो चुकी होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरीज बची होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।